मनोज मारत्वतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतांग वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोत्य मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता के वंदे वंदे। पूज्य जगत गुरु भगवान, उनके चरणों में ये दास बार बार दंडवत और प्रणाम करता है। पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी, हमारे निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत धर्मदास जी महाराज के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म संस्कृति में जन्म लिया और हिंदुस्तान में जन्म लिया। उसके बाद जहां हम और आप बैठे हैं, ये लखनपुरी है और लखनपुरी में बैठकर वो महर्षि, वो महात्मा जिन्होंने राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन किया, विश्व के कोने कोने में भ्रमण किया, विश्व के कोने कोने में अपने शिष्यों को तैयार करके सनातन पद्धति, सनातन संस्कृति की उस भाव, जो सनातन पद्धति हमारी है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य करने का, काम करने का, वह अलग को जगाने का काम पूज्य महर्षि महेश योगी जी महाराज ने किया। आज मैं उनके शिष्यों के, उनके परिकरों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उनके शिष्यों ने जिस प्रकार से, अभी संचालक महोदय ने कहा, जो महर्षि जी की रामराज की परिकल्पना रही है, उस रामराज की परिकल्पना में उनके शिष्यों का अतुलनीय योगदान अभी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या में नव्य भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य विगत 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यहां आप जो मंच पे देख रहे हैं, इतने ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए हैं जिनकी त्याग तपस्या बलिदान संघर्ष, उनकी जो तप है, उनके शिष्यों की जो साहस था, उसके प्रणाम स्वरूप आज अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। जिस चीज के लेकर विगत अक्रांताओं ने, विधर्मियों ने, आताताइयों ने सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वो मिटा नहीं पाए। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक मैकाले पद्धति से जिस प्रकार से वैदिक गुरु परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया, फिर भी वो नहीं मिटा पाए। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य महर्षि जी का, जिन्होंने निरंतर अयोध्या में लमसम 1000 बटुक ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे हैं, वो जब आगे निकलेंगे तो महर्षि जी की जो प्रकल्पना है वैदिक परंपरा को लेकर, उसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी मैं संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूं, महर्षि जी के जो प्रबंधक हैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। अभी भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और अयोध्या कैसे विकास हो, डेवलपमेंट हो, महर्षि जी की विचारधारा विश्व के कोने कोने में किस प्रकार से धरातल पे उतरे, इसके नाते कई हजार एकड़ जमीन उन्होंने निःशुल्क सरकार को मुहैया कराया। इसके नाते मैं पूरे ट्रस्ट को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो महर्षि जी की परिकल्पना है, जो उनका आशा और विश्वास है, मुझको लगता है उनके सारे परिकर, उनके सारे शिष्य विश्व के कोने कोने में जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, उस पे यह रामबाण सिद्ध होगा। इसके नाते इस संस्थान को ढेर सारा आशीर्वाद और महर्षि जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, आज एक और महर्षि का जन्म है, स्वामी विवेकानंद जी का, उनके भी चरणों में यह दास बार बार दंडवत प्रणाम करता है। नौजवानों को सीख लेना चाहिए ऐसे अपने गुरुओं से, ऋषि मुनि महात्माओं से। संतों के चरण में जब आप जाओगे तो संत सदैव कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। संत लेते कुछ नहीं है, देते सदैव हैं। इसके नाते संतों के चरण शरण में जब आप बने रहेंगे, आपका जीवन धन होगा, कल्याण होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय के मन में चल रहा होगा कि महाराज जी
बहुत समय ले रहे, माइक आप छीन लोगे, इसके नाते जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, ऐसे चरणों, संतों के चरणों में यह दास का बार बार दंडवत प्रणाम। जैसे महाराज जी आप लोगों ने अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य किया, उसी प्रकार आपसे विनम्र अपील है मथुरा में भी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण और काशी में भी जो मंदिर के निर्माण कार्य हो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।